खबर मुरैना से है, जहां दो गांवों में जहरीली शराब पीने से 25 लोगों की मौत के मामले में पुलिस ने मुख्य आरोपी मुकेश किरार को रविवार को चेन्नई से गिरफ्तार किया है। इसके अलावा प्रशासन ने आरोपी के मुरैना जिले के छेरा गांव के घर को भी जमींदोज कर दिया। 25 लोगों की जान लेने वाली जहरीली शराब मुकेश की फैक्ट्री में ही बनी थी। मामले में नामजद 7 आरोपियों के खिलाफ ये पहली कार्रवाई है। फिलहाल मुकेश को मुरैना लाया जा रहा है। मामले में 4 आरोपी अभी भी फरार बताए जा रहे हैं। तो मुरैना से ये खबर आपको बता रहे हैं, जहां शराब कांड का मुख्य आरोपी मुकेश किरार पुलिस के हत्थे चढ़ गया है। चेन्नई से इसे गिरफ्तार किया गया और आपको बता दें 6 अलग अलग तस्वीरें। तो मुरैना के शराब कांड के बाद सरकार एक्शन में है। शराब माफियाओं के खिलाफ बैठक ली जाएगी और सख्त कार्रवाई के निर्देश पहले ही सरकार दे चुकी है। दूसरी तरफ आरोपी मुकेश किरार, जिसका गांव में स्थित घर जमींदोज प्रशासन की तरफ से कर दिया गया। तीसरी तस्वीर आप देख सकते हैं, 25 लोगों की मौत हो गई है शराब कांड में और पीड़ित परिवारों से मिलने भी मंत्री पहुंचे हैं। लगातार एक तरफ कार्रवाई की जा रही है तो दूसरी तरफ पीड़ित परिवारों को सांत्वना देने भी मंत्री पहुंचे हैं। तो ये 6 तस्वीरें, 5 तस्वीरें आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। तो शराब माफिया को लेकर इस वक्त सरकार एक्शन में है। सीएम शिवराज सिंह चौहान वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग आज करेंगे। शराब माफिया को लेकर सरकार कड़ा रुख अपना रही है और इस कॉन्फ्रेंसिंग में एसपी, आईजी, कलेक्टर मौजूद रहेंगे, जिसमें सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए जा सकते हैं। तो महत्वपूर्ण बैठक आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए होने जा रही है। प्रदेश में अवैध शराब के खिलाफ लगातार अभियान इस वक्त चल रहा है। वहीं दूसरी तरफ आज फिर मुख्यमंत्री वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बैठक लेने जा रहे हैं। एसपी, आईजी और कलेक्टर इस बैठक में मौजूद रहेंगे, जिसमें शराब माफिया को लेकर और भी ज्यादा सख्ती बरतने के निर्देश मुख्यमंत्री की तरफ से दिए जा सकते हैं। तो मुरैना शराब कांड के बाद अब सरकार एक्शन में इस वक्त नजर आ रही है। वहीं प्रशासन का भी सख्त रवैया अलग अलग जिलों में हमें देखने को मिल रहा है, लेकिन आज इसी बीच ये बड़ी बैठक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए होगी। एसपी, आईजी और कलेक्टर इस बैठक में मौजूद रहेंगे।